तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एफिडेविट दिया है कि भारत सरकार उपवर्गीकरण के फेवर में है, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा, यस। दूसरा ये है कि एक जाति को 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप। 1947 में हम लोगों को आजादी तो मिली थी लेकिन अधूरी लंगड़ी आजादी थी। अब हमारे बच्चों को रोजगार में, नौकरियों में, इस देश के सर्विसेज में, हालांकि बहुत सारी सर्विसेज खाली हैं, बहुत सारी सर्विसेज अभी भी देश में नहीं भरी गई हैं, लेकिन कम से कम हमें बराबर का न्याय का हिस्सा तो मिला। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थॉमस का, दूसरे ऐसे कई जजमेंट, और सबसे बड़ा उन्होंने बार बार कोर्ट किया है इंदिरा साहनी को। इंदिरा साहनी में उन्होंने एक बात उठाई है कि भैया जब बैकवर्ड क्लासेस में रिजर्वेशन क्लासिफिकेशन हो सकता है तो व्हाई नॉट शेड्यूल कास्ट। अभी तक ये मुद्दा आता रहा था कि भैया वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है। उन्होंने ये बात जस्टिफाई की है 2-3 जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से उठा करके, कि ये शेड्यूल का, ये बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही शेड्यूल का, बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन वर्ड है आर्टिकल 15 में, 16 में, के स्टेट को कोई चीज नहीं रोकेगी इनके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने के लिए, कोई भी, दोज हु आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड वंचित, जो तो उनको देने के लिए आप जो है ना कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के लिए स्टेट कोई प्रोविजन कर सकती है, तो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन के अंदर शेड्यूल्ड कास्ट भी आता है, उसी के अंदर निहित है। इस बात को उन्होंने बहुत अच्छे से उन्होंने उठाया है। इसमें से कुछ सावंत है जज ईवी, उसमें इंदिरा साहनी में उसको कोट किया है, एक जज को और कोट किया, उन्होंने कहा कि दे आर इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, ऑल आर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, तो शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स आल्सो आर इंक्लूडेड इन बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस। एक तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात ये उठाई है। दूसरा उन्होंने कहा होमोजीनियस और हिट्रोजीनियसिटी की बात जो है, उन्होंने इसके भी आंध्र के, तमिलनाडु के, यूपी के, महाराष्ट्र के, बिहार के, उड़ीसा के, आसाम के, सबसे पहले आसाम से शुरू किया उन्होंने, उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं कि जब शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर दो ग्रुप अलग अलग हैं, उनके अंदर ग्रेडिएशन है, ग्रेडिएशन का मतलब लेयर है, ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे, उनके देवी देवता अलग हैं, उनका बेटी रोटी का कोई व्यवहार हजारों साल से नहीं होता है, उनके अंदर अलग से हिट्रोजीनियस है, और उनके अंदर शेड्यूल्ड कास्ट में अनटचेबिलिटी है। एक वो लोग हैं जो दूसरों का हुक्का पानी प्रयोग नहीं करते हैं, जो दूसरों के साथ सोशल फ्रंट पर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, जो उनके देवी उनके पुजारी अलग हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट इशू ने उठाया है कि शेड्यूल कास्ट के अंदर असम में और साउथ के अंदर जो है तमिलनाडु में और उड़ीसा में, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं उन्होंने, स्टडीज को कोट किया है, कुछ सोशोलॉजिस्ट ने स्टडीज को कोट किया, उन्होंने जे एच हटन को कोट किया है, जे एच हटन को कोट किया है, जे एच हटन उस समय पहली बार जब कास्ट के ऊपर किताबें लिख रहे थे पंजाब के अंदर और दूसरे कास्ट को लेकर के, तो उनको कोट किया है कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर अनटचेबल्स हैं, मोर अनटचेबल्स हैं, मोस्ट अनटचेबल्स, यानी कि ग्रेडेशन है, डिग्रीज हैं, डिग्रीज ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्होंने कहा शेड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन दी गई है ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी, और ये अनटचेबिलिटी हजारों साल से चली आ रही है और इसके पीछे ये हिस्ट्री है और इस हिस्ट्री के अंदर ये ग्रेडेशंस हैं। तो महाराष्ट्र को भी ऐसे ही कह रहे हैं वो, कई स्टेट्स को, पंजाब को भी ऐसे ही कह रहे हैं वो, और उन्होंने अलग अलग स्टेट्स की स्टडीज को कोट करते हुए इस उस डिवीजन को, उस ग्रेडेशन को, उस हायरार्की को, उस हिट्रोजिनिटी को एस्टैब्लिश किया है। अगर ये हिट्रोजिनिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाते तो ये क्लासिफिकेशन नहीं हो सकता था, ये फैसला वो दे ही नहीं पाते। ये दो इश्यूज। तीसरा, क्या इसमें कोई लिमिट है? उन्होंने एक और बात है जो खास इंपॉर्टेंट बात है कि हम शेड्यूल्ड कास्ट के लिए क्लासिफिकेशन की बात की थी, हमारी एप्लीकेशन डॉक्टर साहब शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से कॉग्निजेंस लेते हुए अपने आप से उसको शेड्यूल्ड ट्राइब को जोड़ा, ये बहुत अच्छा किया है। शेड्यूल्ड ट्राइब में भी बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो बहुत आगे हैं, दे हैव ग्रैब्ड द लॉइन शेयर ऑफ द केक। जिस तरह से हम लोग डिमांड कर रहे थे कि दीज 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 कास्ट, फॉर एग्जांपल वो
रामविलास पासवान, पासवान समाज जो है, पासी जो जाति है वो बिहार के अंदर, उत्तर भारत के अंदर चमार, रविदासी, रामदासी, ये उत्तर भारत में, और महार आपके महाराष्ट्र के अंदर, दे हैव इनफैक्ट ये सेंटेंस है बीके जैन का, मेरा नहीं है, उन्होंने कहा दे ऑल हैव ग्रैब्ड द लॉइन शेयर ऑफ द केक। तो भैया ये परकुलेट करना चाहिए, नीचे तक जाना चाहिए, वो परकुलेशन के लिए बीके जैन आर्ग्यू कर रहे थे हमारे फेवर में उस समय। तो ये है कि ये वर्गीकरण हो सकता है। उन्होंने तीनों इश्यूज को उठाया है और तीनों इश्यूज को उठा करके बिल्कुल जो कंक्लूड किया है, ये उन्होंने बात कही है, यानी कि स्टेट के ऊपर एक तरफ स्टेट को वो एम्पावर कर रहे हैं, ऑथराइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप कर सकते हो, लेकिन उससे पहले उसके लिए उसकी रैशनैलिटी आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यस, दूसरा ये है कि एक जाति को 100% रिजर्वेशन नहीं दे सकते आप, केवल एक कास्ट को 100% दोगे, ऐसा नहीं। तो ये सब इश्यूज हैं। हम लोग इसलिए यहाँ बैठे, डॉक्टर साहब मैं समझता हूँ मैंने अपनी बात पूरी यहीं पे कर ली है, मुझे अब वो और ज्यादा ब्रीफ करने की जरूरत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब से और हम सब से बात करूंगा कि ये सब हो गया है, हमें आगे ये बढ़ना है कि इसको हम किस तरह से मूर्त रूप दें कि ये नेशनल लेवल पे स्टेट, नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, और खुशी की बात यह है कि यूनियन गवर्नमेंट ने अपना एफिडेविट दिया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एफिडेविट दिया है कि भारत सरकार उपवर्गीकरण के फेवर में है। और ये ऐसे नहीं हुआ है, फिर मैं कहूंगा इसके पीछे डॉक्टर शुक्ला, हम सब लोग, आप सब लोग इसके पीछे कई साल से लगे हुए थे डॉक्टर, ये एकदम से अचानक नहीं हुआ है, ठीक है। हम जानते हैं किस किस से मिले हम, कैसे कैसे हम लोगों को परसुएड किया है, परसुएशन कितना है, हम लोग बता कुछ चीजें बताने की नहीं होती है, क्यों डॉक्टर साहब? तो कहने का भाव ये है, अटॉर्नी जनरल ने रमणी ने तो आर्ग्यू ही किया है सुप्रीम कोर्ट में, हरियाणा सरकार ने भी कहा है कि हाँ वर्गीकरण चाहते, पंजाब गवर्नमेंट तो लड़ी रही थी, तो कई स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में आकर के न केवल बयान दिया है, आर्ग्यू किया, बल्कि एफिडेविट्स दिए हैं, उसके बाद ये इतना लंबा काम हुआ है। मेरे को लगता है कि आजादी के बाद 1947 में हम लोगों को आजादी तो मिली थी लेकिन अधूरी लंगड़ी आजादी थी। अब हमारे बच्चों को रोजगार में, नौकरियों में, इस देश के सर्विसेज में, हालांकि बहुत सारी सर्विसेज खाली हैं, बहुत सारी सर्विसेज अभी भी देश में नहीं भरी गई हैं, लेकिन कम से कम हमें बराबर का न्याय का हिस्सा तो मिला। मुझे याद आता है रोम की एक लंबी लड़ाई थी प्लेबियंस और पेट्रिशियंस की, 450 साल के संघर्ष के बाद पेट्रिशियंस थे समाज के अपर सेक्शन, मालिक वर्ग, हैव्स, और प्लेबियंस थे हैव्स नॉट्स, deprived, denied, rejected, dissected section of the society. 450 साल की लंबी लड़ाई है प्लेबियंस की रोम की सिविलाइजेशन में, तब उनको अपनी हिस्सेदारी मिली थी, तब उनको अपने रोजगार, नौकरियां, हिस्सेदारी और स्लेवरी से मुक्त हुए थे। तो हमारी भी ये डॉक्टर साहब 20 साल की लंबी लड़ाई है, उसके बाद हमें ये देखने को दिन मिला है, हम इसको एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाए। आज देश के अंदर लोग जो है कि लड़ने मरने के लिए तैयार हो रहे हैं, कोई गाड़ियां दे रहा है, कोई विरोध कर रहा है, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, हमें उस लाइन, उस दिशा में नहीं जाना है। हरियाणा के अंदर 2-3 बड़े आंदोलन हुए हैं जिसमें लोगों को लाठियां, गोलियां तो नहीं, लाठियां और बसें फूंकना, बड़े बड़े झगड़े हुए हैं। हम लोगों ने, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन था, हम लोग थे, हमने उनसे अपने आप को दूर रखा और हम कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ते रहे, है ना, हम लोग सरकार के सामने अपनी बात करते रहे। हमने आपकी खास बात यह है कि आप और हम सब कभी भी जो है ना लड़ाई को, आंदोलन को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लड़ते हैं, हम उससे बाहर कभी नहीं जाते और ना कभी हम जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम अपना आराध्य, अपना गुरु, अपना भगवान, अपना सब कुछ मानते हैं। उन्होंने भी जो लड़ाई लड़ी वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ी और हमें ये सब अधिकार दिलवाए। उन्होंने कभी ये नहीं कहा मैं ये जला दूंगा, मैं आग लगा दूंगा, मैं तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा, नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई को लड़ने वाले हमारे 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 हीरो हैं और हम उन्हीं के अनुयायी हैं, उन्हीं को हम मानते हैं, तो हम इसी दिशा में चलेंगे। आप भी इस लड़ाई को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में भारत सरकार तक लेके जाएंगे और उसको एक सही दिशा देंगे। लोग आपको भटकाने आएंगे,
कोई कहेगा मैं आंदोलन कर रहा हूँ, हजार आदमी आकर के हमने उसको पीट दिया है, उसको मार दिया है, उसको लड़ रहे हैं, हमने उसको कर दिया है। डॉक्टर साहब प्लीज, अभी तक आप नहीं भटके हो, हम नहीं भटके, अभी भी आगे भी नहीं भटकेंगे, ये मान करके चलेंगे, अपनी इसी दिशा में लव अपने मूवमेंट को चलाएंगे। हाँ, एक दिन हमें 100% न्याय मिलेगा, हम उस दिशा में हैं। तो विद दीज वर्ड्स मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर।